So guys, our today's topic that is based on a cryptographic investigation and इसके अंदर हम different procedures use करेंगे. Firstly, we are going to get a knowledge of the cryptography, cipher text and the hashes, what is cipher text, what is type of hashes. जैसे कि हमने MD5 hash calculators का use करके hash को calculate किया था, right? तो यहाँ पे हम उनको हैशेस को देखेंगे किस तरीके से जनरेट होते हैं एंड मेथोलॉजी कौन सी यूज होती है हैश जनरेट करने में, ठीक है. प्लस उसी के साथ एल्गो सिस्टम कौन सा है हैश जनरेशन का, साइफर टेक्स्ट हैश जनरेशन एल्गो कौन सी होती है, आप इन्वेस्टिगेटर हो अगर तो आप उसको किस तरीके से डिक्रिप्ट कर सकते हो. प्लस कई बार क्या होता है कि आपको कोई फाइल मिलती है जो कंप्लीट एक हैश फॉर्मेट में है, इंक्रिप्टेड है, सो हाउ डू डिक्रिप्ट दैट थिंग. तो today's topic that is based on the cryptographic investigation and it will give you all the related thing that is related to encryption part. Clear? Okay. So cryptography start karte hain. Cryptography is a form of encryption itself. Ek khud mein encryption aapke type hai, encryption kehlata hai, where a readable plain text format is converted into the another form which doesn't leave the value of the plain text as it was before, but the basic difference will be the converted form will be readable by the human being but will be no sense. अब देखो होता क्या है, यहाँ पे जो readable plain text है वो convert होता है किसी another format में जो अपनी जो actual values है उनको leave नहीं करता कभी भी plain text, ठीक है. बट इसके होता क्या है, अगर डिफरेंस की बात करें, द कन्वर्टेड टेक्स्ट इज रीडेबल बाय द ह्यूमन, जो कन्वर्ट हुआ है टेक्स्ट वो भी ह्यूमन रीड कर सकता है बट उसको समझ में कुछ नहीं आता, देयर विल बी अ नो सेंस फॉर द ह्यूमन कि वो लिखा क्या है. तो दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ इंक्रिप्टेड टेक्स्ट, राइट. सो दीज इंक्रिप्टेड टेक्निक्स इज यूज्ड मोस्टली फॉर सिक्योरिंग एंड मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ द डेटा. तो ये जो पॉलिसी, ये जो टेक्निक्स है, ये यूज करी जाती है किसी भी कंपनी में, एवरी कंपनी में एक्चुअली, किस लिए, अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए प्लस मेंटेन करने के लिए, प्राइवेसी के लिए, ठीक है, मेंटेन करती है प्राइवेसी. अब आपने जैसे एक वर्नेबिलिटी आई गेस सुनी होगी, दैट इज सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, है ना. तो वो जो वर्नेबिलिटी है वो किस तरीके से काम करती है, लाइक जो भी डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करा रहे हैं, अगर वो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हो रहा है तो उस केस में आपका जो एक लाइक बात करें सिक्योरिटी की, तो एक जगह पे आप खुद से ही डेटा को फ्लो करा रहे हो वहां पे, क्योंकि अगर कोई भी अटैकर आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक करके हैक करता है उसको और उसके अंदर से उसे डेटा वेरी इजिली मिल जाना है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली कम्स फ्रॉम द क्रिप्टोग्राफी, कि अगर आप वहां पे इंक्रिप्शन नहीं यूज कर रहे हो तो आपका डेटा क्या है वहां पे वल्नरेबिलिटी क्रिएट होगी, दैट इज कॉल्ड अ सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, राइट. सो उसी के लिए हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन प्रोसीजर्स का यूज करते हैं. अब ये जो इंक्रिप्शन प्रोसीजर्स हैं, ये टेक्निक क्या है इसकी, फॉर दिस टेक्निक यूजर हैव अ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड अ की फॉर इट डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे होता क्या है कि यूजर जो है या जो आपका अटैकर है, जैसे अगर हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग बात करें तो जितने भी अटैकर्स होते हैं वो सारा डेटा क्या करते हैं, इंक्रिप्ट करके ट्रेवल कराते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि जितने भी आपके FBI CIA हैं या फिर आपके इन्वेस्टिगेटर्स हैं, साइबर सेल्स हैं, वो उस डेटा को रीड कर सकते हैं. तो वो उस टेक्निक में करते क्या है कि इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज करते हैं, जिसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको एक की नीड होती है. इफ यू डोंट हैव अ की देन यू कैन नॉट डिक्रिप्ट एनी टाइप ऑफ डेटा, राइट. User will transmit that encrypted message, receiver will receive. User जो है transmit करता है encrypted message को, जिसको receiver जो है वो simply क्या करता है, receive करता है. Now for the receiver to understand, he needs to convert into the plain text cipher. For that he again need the key and the exact algorithm for the decryption. तो यहाँ पे होता क्या है, जो आपका रिसीवर है उस एल्गोरिदम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करता है कि कौन सी एल्गोरिदम यूज करी गई होगी फॉर कन्वर्जन ऑफ प्लेन टेक्स्ट. उस साइफर टेक्स्ट को अगर प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट करना है तो ही नीड अ की एक्चुअली, या दे नीड अ की एंड अ एग्जैक्ट एल्गोरिदम, जो उसमें डिक्रिप्शन, जो इंक्रिप्शन में यूज करी गई थी उसकी जस्ट एंड एग्जैक्ट जो सिमिलर डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है, अगर उसे नहीं पता है तो दे कैन नॉट डिक्रिप्ट दैट पर्टिकुलर डेटा, ठीक है.
तो यहाँ पे क्या है, अटैकर्स ऑल द टाइम दे आर बेसिकली यूजिंग दिस टाइप ऑफ मेथड फॉर क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर हिडन फॉर्मेट ऑफ द डेटा बाय द यूजिंग ऑफ इंक्रिप्शन प्रोसीजर। ठीक है, अब सर, हाँ जी सर, मैं आपको नोट्स नहीं देख पा रहा हूँ सर। आप मेरे नोट्स नहीं देख पा रहे हो, तुमको दिख रहे हैं आकाश? नहीं सर, दूसरे वाली स्क्रीन आ रही है सर। ओके, सो अब दिख रहे हैं जी? अब आ गई सर। अरे वो मैं ऑफ करना भूल गया था यार। ओके, सो अब पता चल गया, सुन तो लिया ना सब कुछ? ठीक है, सो क्या है वो आपका बेसिकली इंक्रिप्शन फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, क्रिप्टोग्राफी को समझते हैं। ठीक है, सो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो क्या होती है, जैसे कि प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या है? अ टेक्स्ट व्हिच इज क्रिएटेड एंड रीडेबल बाय द इंडिविजुअल्स ओनली, जस्ट लाइक ए बी सी डी 1 2 3 4 या आपके सिंबल्स, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या है? इट इज इंक्रिप्टेड टेक्स्ट which is converted by applying any algorithm on the plain text. अगर आप कोई से भी algorithm use करते हो plain text के ऊपर, तो conversion of the cipher text for conversion of the encrypted text, you can say that that is a cipher text. Encryption क्या है? The process once we are going to convert any type of plain text to the cipher text, this is called the encryption procedure. Decryption procedure क्या है? Once we have to perform any type of process that is related to conversion of cipher text to the plain text, this is a procedure basically called as a decryption procedure. ठीक है? Okay. Next इसके बाद आते हैं आपके cipher text होते क्या हैं? अब जैसे plain text तो हमें पता है जो कि इस format में हो सकता है, ठीक है? लेकिन cipher text क्या है? तो अगर हम cipher text की बात करें, तो in cipher, in cryptography process, cipher are those encrypted text which came through the algorithm process of encryption. यानी कि एक तरीके का इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है जो कि कब निकलता है, अगर हम उसके ऊपर कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम प्रोसेस का यूज करते हैं तो। एग्जांपल्स ऑफ साइफर टेक्स्ट के लिए अगर हम बात करें, तो साइफर टेक्स्ट में जैसे जो मोस्ट पॉपुलर साइफर टेक्स्ट एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सीजर साइफर, ठीक है, सीजर साइफर बोल सकते हो, या फिर अलग अलग टाइप के और भी साइफर्स आते हैं, ठीक है, लाइक प्लेफेयर साइफर हो गया, हिल क्लाइंब साइफर हो गया, एग्जॉस्ट साइफर हो गया, तो ये सारे क्या है, साइफर के टाइप्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीजर साइफर को देखते हैं किस तरीके काम करता है। तो सीजर साइफर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइफर विच केम अक्रॉस विद द टेक्निक फॉर टेक्निक ऑफ इंक्रिप्टिंग अ प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट। सीजर साइफर वर्क्स बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ 3 कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। दैट मींस इफ इन अ प्लेन टेक्स्ट देयर इज हैविंग अ कैरेक्टर ऑफ ई, आइदर इट विल बी ट्रांसमिटेड टू बी, एंड इफ द कैरेक्टर ऑफ ए, इट विल बी ट्रांसमिटेड टू एक्स। कैसे काम करेगा ये समझ लो, दिस साइफर एल्गोरिदम इज हैविंग सम मैथमेटिकल इक्वेशन विद डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ द क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस। तो देखो, देयर इज वेरी सिंपल मेथड गाइस, कैसे यूज करना है। जैसे आपके पास एग्जांपल के लिए की है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 26 कैरेक्टर्स ऑफ अल्फाबेट है हमारे पास। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो यूज करी गई है, दैट इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 कैरेक्टर्स ऑफ नंबर, यानी कि 3 प्लेसेस ऑफ नंबर्स को माइनस किया गया है एल्गोरिदम के अंदर। जैसे प्लेन टेक्स्ट था रचित, दैट इज माय नेम, राइट, तो मैंने अपना नाम यहाँ पे यूज किया। अब साइफर टेक्स्ट बनेगा क्या, 3 माइनस करने, तो देखो आर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, अगर इसमें 3 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, आर चला गया, क्यू चला गया, पी चला गया, क्या बचा, ओ, तो आर इज रिप्लेस टू ओ। अब ए अगर मुझे रिप्लेस करना है, 3 माइनस करने, बिकॉज एल्गोरिथम क्या है, फ्री ऑफ माइनस, तो उस केस में ए गया, जेड गया, वाई गया, बचा क्या, एक्स, एक्स आ गया। सी, सी के लिए क्या करेंगे, सी गया, डी गया, ए गया, बचा क्या, जेड, ठीक है। एच के लिए, एच के लिए क्या होगा, एच गया, जी गया, एफ गया, बचा क्या, ई, तो देखो ई। आई के लिए, आई गया, एच गया, जी गया, बचा क्या, एफ, एफ आ गया। T के लिए अपने को T क्या है, T गया, S गया, R गया, बचा गया Q, Q. So this is my cipher text. तो मैं अगर ये text send करूँगा और algorithm मुझे पता है कि that is subtraction of 3 numbers यहाँ पे use करे गए हैं, so उस case में कोई भी person इसको opposite करके इसको क्या कर सकता है, decrypt कर सकता है। अब देखो encryption में क्या क्या हमने minus किया 3 characters को, जबकि हम
डिक्रिप्शन में तीन कैरेक्टर्स को प्लस करेंगे, ठीक है? तो जस्ट एन अपोजिट, उल्टा कर देते हैं ना, तो एडिंग ऑफ थ्री कैरेक्टर्स ऑफ नंबर्स किस तरीके से, लाइक ओ, अब देखो ओ की प्लेस पर हमने क्या किया, तीन को ऐड किया, तो क्या होगा, पी ऐड हुआ, क्यू ऐड हुआ, आर ऐड हुआ, तो मिला क्या हमें, आर। फिर एक्स की प्लेस पर, एक्स की प्लेस पर हमारे पास क्या हुआ, एट, वाई ऐड हुआ, जेड ऐड हुआ, ए ऐड हुआ, तो थर्ड नंबर पे कौन सा मिला, ए। फिर सी की प्लेस पर, सॉरी मतलब हमारे पास जेड की प्लेस पर, तो जेड में क्या होगा, ए ऐड हुआ, बी ऐड हुआ, सी ऐड हुआ, तो सी लास्ट था, सी मिल गया। एच, फिर उसके बाद क्या है, ई की प्लेस पर, तो ई की प्लेस पर एफ जी एच, तो लास्ट क्या है, एच, वो मिल गया। एफ की प्लेस पर जी एच आई, तो हमें आई मिल गया। एंड क्यू की प्लेस पर आर एच टी, तो टी मिल गया। दिस इज अ डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम, समझ में आया? यस सर। This is very simple method, guys. इसमें there is no rocket science. यहाँ पे कुछ भी use नहीं हुआ है. That is simply a mathematical equation procedure. जिसको हमने यहाँ पे क्या किया है? ये तो सर बहुत simple है. मतलब ऐसे तो नहीं होता होगा ना? वो तो बहुत complicated होता है, जो असलियत में encrypt होता है. क्या होता है? क्या कह रहे हो? मैं क्या हूँ सर? जैसे ये तो आपने example के लिए बताया ना बस. हाँ. जो मतलब असली में इनक्रिप्शन होता है वो तो मतलब अलग अलग होता होगा ना सर? हाँ हाँ, अभी अभी आप पहले प्रोसेस तो समझो कैसे काम हो रहा है। अगर मैं डायरेक्टली आपको MD5 इनक्रिप्शन दिखा दूंगा आपको तो समझ में आएगा? ठीक है सर, खुद बताओ। आकाश नहीं आएगा सर, नहीं आएगा ना? पहले प्रोसेस तो समझो कैसे कैसे काम होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले साइफर टेक्स्ट आए, समझे? तो साइफर टेक्स्ट में कैसे चलता था वो देखा अभी हमने। अभी तुमको बड़ा सिंपल लग रहा है ना, अभी देखो। उसके अलावा हम और एल्गोरिथम डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज लाइक हिल क्लाइंब साइफर या फिर आपका प्लेफेयर साइफर। तो डिस्कस करते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। सो हम चले गए यहाँ पे प्लेफेयर साइफर। एक वेबसाइट है, दैट इज अ गीक फॉर गीक्स, ठीक है? आप इसे ओपन कर लेना। इन दिस वेबसाइट इट विल टेल यू अ वेरी वेरी सिंपल मेथड टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, ठीक है? सो हम इसका यूज करते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ जी, सो प्लेफेयर साइफर है क्या ये समझ लेते हैं। द प्लेफेयर साइफर वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिकल डायग्राफ sub substitution of the cipher. The schema was invented in 1854 by Charles Wheatstone, but was named after Lord Playfair, who promoted to this of use of cipher. तो ये कब use हुआ था? ये समझ लो, ये use हुआ था Second World War में, जब Second World War, एक मिनट, सेकेंड बोर वॉर एंड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ओके, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज हुआ था एंड द सेम पर्पस ऑफ ऑस्ट्रेलियन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, और सेम प्रोसीजर आपके वर्ल्ड वॉर टू में भी यूज हुआ था, जो ऑस्ट्रेलियन पीपल्स ने वहां के जो आर्मी है उसने यूज किया था इस मेथड का। तो इसमें है क्या, देयर इज वेरी सिंपल प्रोसीजर। जैसे कि आपके पास एक वर्ड लिखा है, दैट इज अ मोनारची, दिस इज अ की एंड द प्लेस टेक्स्ट दैट इज अ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? सो हमें करना क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट को मोनार्ची की के थ्रू इनक्रिप्ट करके भेजना है इन द साइफर टेक्स्ट। तो देखो होगा कैसे, सबसे पहले जनरेट अ 5x5 मैट्रिक्स, बिकॉज 5x5 क्यों बना रहे हैं, टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज 26 कैरेक्टर्स, राइट? जिसमें से हम जो जे वाला कैरेक्टर है, द की स्क्वायर 5x5 ग्रिड अल्फाबेटिक दैट एक्ट्स एज अ की ऑफ इनक्रिप्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ईच of the 25 character must be unique and the one letter that is usually J is omitted from the table, जिसमें हम J को include नहीं करते। अगर J जो है किसी भी आपके plain text में आ रहा है, as the table can hold only 25 alphabet because 5x5 is equal to 25 matrix ही बन सकती है, if the plain text contain J then it is replaced by the next character that is I. तो अगर J वहां पे यूज हो रहा है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं I के साथ, ठीक है? तो वो क्या हो जाता है आपका,
रिप्लेसमेंट प्रोसीजर वहां पे हम यूज करते हैं. द इनिशियल अल्फाबेट इन द की स्क्वायर्स आर द यूनिक अल्फाबेट ऑफ द की इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर फॉलोड बाय द रिमेनिंग लेटर ऑफ द अल्फाबेटिक इन ऑर्डर. तो देखो मोनार्ची दिस इज द की. हमने सबसे पहले क्या किया, जो 5x5 के खाली बोर्ड बनाया और उसके अंदर सबको अलग अलग इनिशियल कर लिया. तो मोनार्ची में हर एक करेक्टर अलग हो गया. सबसे पहले हमने टाइप दिया MONARCHY मोनार्ची. देन उसके बाद हम करेंगे क्या, जो बचे हुए 25 कैरेक्टर्स में से जितने बचे हैं हमारे पास उन सबको एक एक करके लिख देंगे. जैसे कि ए यूज हो चुका है तो बी आ जाएगा. ठीक है, ए यूज हो चुका है तो बी आ जाएगा. ठीक, उसके बाद सी यूज हो चुका है तो डी आ जाएगा. फिर ई एफ जी एच यूज हो चुका है तो आई आ गया. जे यूज नहीं होगा, है ना, जे को हम बाहर रखते हैं. फिर जे के, के एल एम यूज हो चुका है, एन यूज हो चुका है, ओ यूज हो चुका है, पी आ जाएगा. क्यू आर यूज हो चुका है, एस आ जाएगा. टी यू वी, है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई यूज हो चुका है तो जेड आ जाएगा. सारे कैरेक्टर डाल दिए इसके अंदर. अब आपको करना क्या है, इन कैरेक्टर्स को किस तरीके से बनाओगे. देखो जो आपके पास नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट है उसको आप दो दो के सेगमेंट से डिवाइड कर लेते हो. तो यहाँ पे क्या है, प्लेन टेक्स्ट विल बी स्प्लिट इनटू द फेयर ऑफ टू लेटर डायग्राफ्स. इफ द ओल्ड ऑड नंबर इज लेटर ए इज जेड टू बी एडेड टू द लास्ट नंबर. अगर ऑड बन रहे हैं लाइक इंस्ट्रूमेंट्स पे टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्यारह है, तो लास्ट वाले में हम क्या करते हैं, जेड को एड कर देते हैं. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स के हमने दो दो के वो बनाए सेट. ठीक है, दो दो के सेट के साथ हमने लास्ट में क्या किया, जेड को ऐड कर दिया. क्यों जेड को ऐड किया है, बिकॉज अगर ऑड नंबर बनते हैं तो हमें उसे किसमें करना है, इवन नंबर में कन्वर्ट करना है. नाउ रूल क्या है इसको, सबसे पहला रूल होता है इफ द बोथ लेटर आर ऑन द सेम कॉलम. अगर दोनों सेम कॉलम में आ रहे हैं तो टेक द लेटर बिलो ईच वन गोइंग बैक टू द टॉप इफ एट द बॉटम. तो देखो M है me, this is a normal word. कहाँ गया ये रहा me. तो me का क्या बनेगा, me का जो नीचे वाला word है same उसमें क्या है C and E का क्या है L. अगर U होता तो U का क्या आ जाता, M आ जाता. ठीक है, तो M replaced to C and E replaced to L. वैसे ही फिर if the both letters are on the same row, अगर दोनों letters same row में आ रहे हैं, टेक द लेटर टू द राइट ऑफ ईच वन गोइंग बैक टू द लेफ्ट मोस्ट इफ एट टू द राइट मोस्ट पोजिशन. देखो एस टी ये द प्लेन टेक्स्ट. ठीक है, एस एन टी, यहां पे आया टी एल. किस तरीके से, एस का रिप्लेसमेंट हुआ टी एंड टी का रिप्लेसमेंट हुआ एल. ठीक है, एस का रिप्लेसमेंट टी एंड टी का रिप्लेसमेंट हुआ एल. ठीक है, नेक्स्ट अगर दोनों केस नहीं बनते, इफ नाइदर ऑफ अबव रूल ट्रू, ना ही वो कॉलम सेम में है ना ही वो रो सेम में है, तो क्या करोगे, फॉर्म अ रेक्टेंगल विद द टू लेटर्स एंड टेक अ लेटर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑन द हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल. तो एन टी, देखो एन टी किस तरीके से बनेगा, लाइक एन यहाँ है टी यहाँ है, तो इसका ट्राइंगल बनाओ. तो सबसे पहले हम राइट हैंड ट्राइंगल बनाते हैं, फिर हम लेफ्ट हैंड ट्राइंगल बनाते हैं. तो N और T का लेफ्ट राइट हैंड ट्रायंगल अगर आप बनाओगे तो सबसे वो क्या मिल रहा है, बीच का वर्ड R, है ना, मेन पॉइंट क्या है R है. तो उस केस में N रिप्लेस टू R हो जाएगा. N N और अगर आप लेफ्ट के बनाओगे T के लिए बना रहे हो तो T के लिए हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो T से N तक जाएंगे तो Q मिलेगा, तो T रिप्लेस टू Q. ठीक है, ये समझ में आया किस तरीके से काम कर रहा है हमारा रूल. अब इसी तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट के सारे बना लोगे. These are the diagrams जो यहाँ पे इसने दिखा रखा है बना के सबके. जैसे कि N का replace R हुआ और sorry N A I, तो A बना यहाँ पे and I G N, तो I का क्या हुआ G हो गया. वैसे M का C, E का C. अब देखो L वाला हमने कर लिया था, है ना. फिर उसके बाद क्या है, जैसे ये देखो M वाला, M Z यहाँ पर है, M यहाँ पर है, तो इसके लिए क्या किया, M के साथ यूज किया R को, तो M R Z and Z U M, तो क्या हो गया यहाँ पे
क्यू आ गया। अब यहाँ पे देखो सेम प्रोसीजर आपका एस टी से रिप्लेस हो गया और जेड एक्स से रिप्लेस हो गया। ठीक है सर में आया सर, इसका लिंक जो है सर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दोगे सर प्लीज? हाँ मैं दे दूंगा। ठीक है अब देखो यहाँ पे इसका कोड है। अब एक चीज समझो, अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हो तो आप बेसिकली इस टाइप का अगर आपको साइफर टेक्स्ट पता चल जाता है कि यहाँ पे प्लेफेयर साइफर यूज किया गया है तो आप क्या करोगे, इसको क्या ऐसे डायग्राफ बना बना के यूज करोगे? डेफिनेटली नॉट राइट। तो उसके लिए यहाँ पे देखो इसने कोड दे रखा है सी प्रोग्रामिंग का। तो अब इस सी प्रोग्रामिंग के कोड को अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे रन करो, इसमें लेटर्स डालो, अपने कैरेक्टर्स फिल करो और उसके बाद ये क्या करेगा, आपको कन्वर्ट करके दे देगा। तो दिस इज फुल कोड। ठीक है तो मोनार्ची के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। ठीक है बट हमें कन्वर्जन तो मिल गया, अब इसे डिक्रिप्ट भी तो करना है। तो डिक्रिप्ट के लिए देखो क्या टेक्निक यूज होगी। सेम For decryption of Playfair cipher is as simple as doing the process, same process in reverse. The receiver has the same key and can create the same key table and then decrypt any message made using that key. तो कैसे करना है? Monarchy और ये हमारे पास क्या है? Same words. तो same procedure हम use करेंगे. Monarchy पहले लिख लेंगे, उन सबको अलग अलग divide कर देंगे पूरे उसको, सारे लेटर्स बाद में लिख लेंगे। अब सेम डायग्राफ जो हमें मिल रहा था, अब इसमें क्या है, उल्टा यूज करेंगे। जैसे कि हमने पहले बात एम के बाद वाले यूज किए थे बिलो वाले, अब हम क्या करेंगे, अपर वाले यूज करेंगे, टॉप वाले। तो सी का एम हो जाएगा और एल का ई हो जाएगा, वैसे ही जो टी का एस हो जाएगा और एल का टी हो जाएगा उल्टा। अब देखो यहाँ पे एन आर टी था तो आर मिल रहा था एन का, अब इसके बाद उल्टा चलेगा। देखो तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या चीज, उल्टा चलाएंगे टी आर एन चलाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें आर मिल जाएगा प्लस क्यू हमें मिल जाएगा किससे, एन क्यू टी से। तो हमें आर का एन मिल गया और क्यू का टी मिल गया। ठीक है तो इस तरीके से हम सारे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सबको निकाल लेंगे एक एक करके, है ना। तो ये है आपका डिस्क्रिप्शन। देखो डिस्क्रिप्शन का भी दे रखा है कोड पूरा, आप बस क्या करो। अच्छा इवन एंड यू कैन रन इट दिस कोड फ्रॉम हियर आल्सो, लाइक आप सी आपके पास नहीं है टर्बो सी नाम का कोई भी सॉफ्टवेयर तो आप यहां से भी इसके कोड को रन करा सकते हो। ठीक है जस्ट रन करो, कह रहा है साइन इन करना पड़ेगा आपको, साइन इन करोगे तो आप इस कोड को रन करा पाओगे या फिर इस कोड को कॉपी कर सकते हो नॉर्मली और अपने कोड पैड पे चला के रन करा सकते हो। ठीक है तो आप इसका यूज कर सकते हो, इट इज वेरी गुड टेक्निक गाइस। अगर आप इसका यूज करते हो और इसके थ्रू अगर आप क्या करते हो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हो, ठीक है तो इससे कितना भी बड़ा करेक्टर हो आराम से आपका क्या हो जाता है, डिक्रिप्ट हो जाता है और इंक्रिप्ट भी हो जाता है। ठीक है तो मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ पहले, तो मिल गया सही? यस सर। अब देखो यहाँ पे कई सारे साइफर्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है आपको करना क्या है, आपको इनमें से कम 10 टाइप के साइफर्स को अच्छे से रीड आउट करना है, उनको कम से कम रेडी करके रखना है अपने लिए। ठीक है सो ये आपका होमवर्क है, आपको 10 साइफर टेक्स्ट यहाँ से रीड करने हैं और उन रीड टेक्स्ट के कंप्लीट आप ट्राई करके देखो उन्हें कि वो किस तरीके से चल रहे हैं। क्लियर है? प्रॉमिस नहीं करेंगे मगर ट्राई करेंगे सर पक्का। आपके पास 2 दिन का टाइम है, सैटरडे एंड संडे, तो ट्राई करना कि आप पढ़ लो। ठीक है एटलीस्ट पढ़ लो तो लेना ही एक बार, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, है ना। एक बार खोलोगे ज्यादा ज्यादा आपका हाफ एन आवर जाएगा, दैट्स इट, और आप आराम से इसे पढ़ लो। हम मंडे इसको कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम एक और टाइप का साइफर टेक्स्ट देखेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे अपने हैशेस पे आ जाएंगे। ठीक है ठीक है सो आप इसे पढ़ो, मैंने लिंक आपको दे दिया है। दिस इज वेरी गुड वेबसाइट गाइस, जिसपे कोड के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है सारी चीजों का, तो आप इसका यूज करो, इससे पढ़ो। ठीक है सो मंडे मिलते हैं सेम टाइम 5 o'clock एंड देन विल कंटिन्यू द हैशेस वन। ओके ओके बाय 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 सर।